गुलबर्गा शहर में स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने और पेंडिंग होने की शिकायत पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जेडीएस लेबर विंग प्रेसिडेंट शिराज शाब्दी एंड टीम ने स्टूडेंट्स के साथ 15 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के खिलाफ एहतजाज कर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की मांग की थी। जेडीएस लेबर विंग गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिराज शाब्दी को ट्विटर पर रेस्पॉन्स करते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने कहा, जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुई है या पेंडिंग है वो स्टूडेंट्स NSP या SSP ID के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह भरोसा दिलाया है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप रिलीज किया जाएगा। KMDC ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी स्टूडेंट्स अगर री अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। सिराज शाब्दी ने मजीद डिटेल बताते हुए यह इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह स्टूडेंट्स अपनी स्कॉलरशिप हासिल करें। स्कॉलरशिप से जुड़ी तमाम तफसीलात हासिल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga. जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनता दल पार्टी लेबर विंग कलबुर्गी। वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। रिसेंटली हम लोग 15 नवंबर को एक प्रोटेस्ट किए थे जिसका एक ही मकसद था, जो स्टूडेंट्स जिसका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुआ, पेंडिंग है या फिर सेंशन हुआ अगर मगर अकाउंट में पैसे नहीं है, वो लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट के बाद वी गॉट रिस्पांस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से और KMDC की तरफ से, इनफैक्ट फ्रॉम लीड बैंक मैनेजर्स की तरफ से भी हमको रिस्पॉन्स मिला, जिसमें जितने भी स्टूडेंट जिसका NSP SSP जो एलिजिबल होते हुए भी उनका जो रिजेक्ट हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर उनका वो लोग एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपने एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम के जरिए से एप्लीकेशन प्लस ID ये आप उनको शेयर कर सकते हैं, दे विल रेस्पॉन्ड यू बैक, जिसका नंबर है 8277999990। नोट कीजिए 8277999990। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम के जरिए से आप इनको आपके एप्लीकेशन प्लस ID डिटेल्स आप भेज सकते हैं। सेकेंड, जो KMDC के तरफ से जो 2019 से जो स्कॉलरशिप लोगों को नहीं मिला, 2019 से स्टूडेंट्स को नहीं मिला, तो कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट की तरफ से आप लोगों को ये हेल्प की जा रही है कि इस स्कीम को रिन्यू किया गया, जिसके जरिए से 2019 से जितने भी कर्नाटक KMDC के लिए एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किए थे वो लोग आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते स्टूडेंट्स शुड बी जो गवर्नमेंट सीट लेते हैं आप एजुकेशन में, गवर्नमेंट सीट वाले ये KMDC के एप्लीकेशन को एनरोल कर सकते हैं और रीअप्लाई कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में आपको KMDC के डिटेल्स भी आपको मिलेंगे, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है उसका आपको एक टैबलेट भी मिलेगा, उस टैबलेट के जरिए से आप KMDC को भी अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर पर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट उनके लिए ये बहुत फायदा है। सो प्लीज रिमेंबर 2019 से लेकर जितने भी एप्लीकेशन या नहीं है या रिजेक्ट हो गए, दे कैन री अप्लाई फॉर KMDC, होपफुली दे विल हेल्प यू। जो तीसरा है NPCI, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को समझने वाली बात है कि आप लोगों के जितने भी जो स्कॉलरशिप वहाँ पे बता रहा ऑनलाइन कि आपका स्कॉलरशिप सेंशन हो गया मगर आपके बैंक में जाने के बाद आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपका आधार कार्ड NPCI जो एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो एक पोर्टल है उसके अंदर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। याद रखिए, बैंक अकाउंट को लिंक आधार कार्ड इज समथिंग डिफरेंट। आधार कार्ड जो बोलते हैं कि बैंक में जाने के बाद आधार कार्ड बैंक अकाउंट को लिंक होना है बोलते, वो एक अलग चीज़ है। जो स्टूडेंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि आप अपना आधार कार्ड NPCI जो पोर्टल है वो उस पर लिंक करना है। ये NPCI का जो ये जो अपलोड कर लॉगिन यूजर आईडी रहेगा सिर्फ बैंकों के पास रहेगा, तो आप अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड वहाँ के जो भी बैंक ऑफिसर है या यू मीट विद बैंक मैनेजर, अब उनको बताइए कि अब मेरा आधार कार्ड NPCI से लिंक करना है। जो अप्लाई करे वो भी करिए, जो नहीं अप्लाई करे जो करने वाले हैं वो लोग भी करिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसी की वजह से आपका वहाँ पे सेंशन बता रहा हूँ मगर बैंक में पैसा नहीं आ रहा। अगर आप NPCI से आधार कार्ड लिंक करेंगे तो आपका जो पैसा रुके हुआ है स्कॉलरशिप का वो आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई भी बैंक मैनेजर, बैंक क्लर्क या बैंक मैनेजर अगर आपकी बात को नहीं सुन रहा, आपके बात को इग्नोर कर रहा और वो NPCI से लिंक कर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा, तो JDS लेबर विंग आपके साथ खड़ी भी है। यू कैन फाइंड अवर कॉन्टैक्ट नंबर इन दिस वीडियो।
आप हमारे को इमीडिएटली वहां से बैंक से बैंक पे पास ठहर कर आप हमारे को कॉल करेंगे, हमारा कोई एक जेडीएस का वॉलंटियर आपके पास आएगा और बैंक से बात कर कर आपका एनपीसीआई से लिंक कराने में मदद करेगा। तो इस वीडियो के जरिए से 3 पॉइंट हम लोग आपको बताए हैं जिस वजह से आपकी स्कॉलरशिप होपफुली आने के चांसेस ज्यादा है। और एक चीज ये है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से जो आरटीई एक रिसेंट न्यूज आई हुई है, जो आरटीई से जो एजुकेशन ये करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक, अब ये लोगों को हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप जो पहले मिलती थी अब वो स्कॉलरशिप बंद हो गई है, तो उसमें सिर्फ 9th और 10th स्टैंडर्ड वालों को ही मिलेगा, जो 8th स्टैंडर्ड तक है आरटीई का उनको नहीं मिलेगा। तो वी हर्ड डेट कि इसके अंदर कुछ मीटिंग चल रहे हैं कि आरटीई को छोड़ के भी अगर दूसरे जनरल मेरिट से जो एडमिशन लेते हैं 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये खुला वार्निंग दे रहा हूं मैं कि अगर 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड जो आरटीई में नहीं है अगर वो बच्चों के स्कॉलरशिप के ऊपर अगर धक्का भी लगेगा तो इसका जिम्मेदार वही होंगे, डेफिनेटली विल कम ऑन द रोड एंड विल डू द बिग प्रोटेस्ट, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल की बात है और हम बच्चों के मुस्तकबिल से अकेले गवर्नमेंट को नहीं देंगे।